जबरदस्ती ये करेगा तो हम लोग मर जाएंगे, मगर हम लोग उठेंगे नहीं, हम लोग इधर मार डालो इधर काट डालो। कार मिटवा दे तो हटाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलने वाले तो है नहीं। आदिवासी के रहने का कुछ जगह ही नहीं रखा है गवर्नमेंट ने, क्यों? तो गवर्नमेंट अगर आदमी ने क्या काटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो पहले से आदिवासी लोग रह रहे उनके लाइफ के ऊपर भी अटैक है। ये यहाँ के जो प्राणी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो स्पाइसेस कहाँ जाएंगे। मैं हूँ मुंबई की आरे कॉलोनी में और आज हमारे साथ हैं कुछ एक्टिविस्ट और कुछ लोग जो यहाँ पे आरे के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बीएमसी ने 2700 ट्रीज को कट करने के लिए सैंक्शन कर दिया है, तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके व्यूज़ क्या हैं। 50 साल हो गया, इतने बड़े बड़े झाड़े हो तोड़ के काटेंगे तो कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पहला कोई कुत्ता भी नहीं इधर आता था, हम लोग ही था। अभी हम लोग का जैसा बच्चा लोग बढ़ गया, इसके लिए जरा अलग अलग बांध देना। अभी छोटा बच्चा है और ये लोग का ये बड़ा रहेगा, इसका बच्चा रहेगा, किधर रहेगा, कितने से गोली में रहेगा, नहीं रह सकता है। इसके लिए हम लोग को यही जगह मांगता है, हम लोग को बिल्डिंग में रहने के लिए ना, हम लोग एक दिन भी रहेगा तो मर जाएगा। सरकार खुद एक तरफ बैठी कि बम्बई शहर पोल्यूशन होते जा रहा है और हमें झाड़ लगाना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, तो हमारा कार्बन अफेयर क्या होगा। मेट्रो के विरोध के तो कोई भी मुंबई के लोग नहीं है, जगह तो बहुत जगह पे है। हम लोग यही कहना है, यहाँ पे ना आपकी जो जगह है वहाँ पे बनाओ ना, ये जगह गवर्नमेंट आदिवासी के लिए, आदिवासी के देखो ना, आदिवासी हर पर तू जंगल से भगाते, आदिवासी कहाँ जाएंगे। आपका कितना महीने का इनकम निकलता है थोड़ा बहुत पेड़ से? भाजी चार पाँच बजे यहाँ से टोपला लेके जाएगा भाजी का, वो सब जंगल में ढूंढने जाते, वो उधर से सब लेके आते। हम सरकार से है कि हम लोग की जी मांगनी है वो पूरी करो, हम लोग का रास्ता बनाओ, 7-12 उतारा प्रॉपर्टी काट कर नाम चढ़ाओ। हम लोग बहुत टाइम दिया है, लेटर दिया है, मगर हम लोग को अभी तक कुछ नहीं दिया है। वो लोग ने लाइट भी नहीं, तभी हम लोग 3 साल लाइट के लिए घूमा, तभी लाइट आया। नहीं जाति का दाखिल, नहीं बच्चे लोग का, ये बच्चे लोग का जन्म घर में हो गए, दवाखाने में नहीं हो गए। सरकार ने क्या दिया, सरकार हाँ वो कुछ करके तुम लोग को देगा। लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए उस तरह से रिस्पॉन्स अथॉरिटीज का आ नहीं रहा है। ओके और इसका हमारा विरोध बड़े पैमाने पे रहेगा।